5 टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन है क्या और इसका यूज क्या है। सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ सब प्रोग्राम। जैसा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि कोई एक प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है यूजिंग डिवाइड एंड कंकर रूल और एनी अदर टेक्निक्स। तो उसके जो फंक्शन है हम लोगों ने जो जितना भी उसका पोर्शन बनाया फंक्शन के प्रोग्राम हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये बात ध्यान में रखते हैं उसको कम अज कम इतना ही उसका पोर्शन बनाना है कि एक सिंगल टास्क परफॉर्म हो सके। अब इतना ही उसको छोटा नहीं कर देना आपने कि एक यूनिट से या एक उसका जो भी फंक्शन आपने बनाया है एक प्रोग्राम एक टास्क कंप्लीट ना हो, हाफ वो एक साइड पे हाफ एक साइड पे। तो ऐसे जो भी आप पोर्शन रहेंगे उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन क्या है कि मिनिमम एक टास्क कंप्लीट करे, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। तो आपने उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या लार्ज प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, वो कितने हिस्सों में डिवाइड करना है या कैसे करना है वो फंक्शन आपको इसके जरिए आपको पता चलता है कि कोई एक टास्क परफॉर्म हो। कि अगर आपके प्रोग्राम में 5 या 6 टास्क हो गए तो आप उसके उतने ही प्रोग्राम सब प्रोग्राम बना सकते हैं। अ टाइप ऑफ सब प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट वन और मोर वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। इसकी ये शनाख्त भी है कि ये फंक्शन क्या है, आपको कैसे पता चलता है कि आप इसको एक जितना भी आपने फंक्शन बनाया है आप इसको दो या दो से ज्यादा या सिंगल वैल्यूज या इससे ज्यादा वैल्यूज दो देंगे लेकिन प्रोसेसिंग के बाद आपको एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन। Next है the values provided to a function are called parameters or constants। आप function को कोई भी values देते हैं input जो भी आप उसको देंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं जो values दी जा रही हैं वो चाहे वो user से input लेंगे या आप अपने program ने पहले ही उसको program के अंदर write कर दिए तो उसको हम कहेंगे parameters or constants। कि जो values function को दी जाती हैं उनको हम लोग parameters और constants। दो टाइप्स हैं बिल्टिन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि बिल्टिन फंक्शन जो ऑलरेडी अवेलेबल है एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद डिफाइन कर रहा है उसके बारे में खुद बता रहा है। तो नाम से पता चले इसको पढ़ते हैं देखते हैं इसके बारे में बिल्टिन फंक्शन क्या है। अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड बिल्टिन फंक्शन। जो पहले से इसके अंदर मौजूद हैं उसको बिल्टिन कहते हैं। दीज फंक्शन आर डायनेमिक यानी बनी बनाई चीज आपको मिल जाती है। जस्ट आपने उसका नेम राइट करना है आपको एक बनी बनाई चीज मिल जाती है। प्रोग्राम व्हिच आर डेवलप्ड बाय द डेवलपर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डेवलप्ड बाय द डेवलपर। ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूं क्या चीज है। जो प्रोग्रामिंग जिस बंदे ने बनाई है डेवलपर उसको कहते हैं। तो उसने बनाते वक्त कुछ ज्यादा जो यूज वाली चीजें हैं उसने उसका कोड ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है और उसको कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया और वो नेम वो हमारे पास एट्रीब्यूट फंक्शन है। हमने जो बार बार चीजें यूज हो रही थी तो उसने उसको उसका कोड ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया एंड उसको कोई सिंपल नेम या उससे रिलेटेड नेम दे के आपको बता दिया कि आप ये नेम लिखेंगे तो देन ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। और जो उसने खुद उसके अंदर राइट कर दिया उसको हम कहते हैं डायनेमिक फंक्शन या बिल्टिन फंक्शन। नेक्स्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये यूजर हम लोग इसमें कोई अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हमें कोई फंक्शन की जरूरत पड़ी है देन हम लोग उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये आप एक प्रोग्राम में आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं और एक प्रोग्राम में बहुत ज्यादा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या यूजर रिक्वायरमेंट। अ टाइप ऑफ फंक्शन व्हिच आर रिटन बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रोग्रामर रिटन बाय द प्रोग्रामर एंड यहां पे है डेवलपर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोग्रामर वो बनता है जिसने आपकी प्रॉब्लम को
के सॉल्यूशन को कंप्यूटर में टाइप करना है, प्रोग्रामर उसे कहते हैं, और डेवलपर वो पर्सन है जिसने वो लैंग्वेज को बनाया है, और बनाते वक्त उसने जो जो कोड उसके अंदर इंसर्ट किए हैं या आपके लिए उसने आसानी के लिए वहां पर रखे हुए हैं, तो उसको हम रेडीमेड फंक्शन या बिल्टिन फंक्शन जो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं वो है वो प्रोग्रामर लिखेगा उसको, और उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। आप प्रोग्राम में कंप्लीट मैनी यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत से यूजर डिफाइंड फंक्शन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है these functions are written according to the exact requirement of the user. अब यूजर की जितनी रिक्वायरमेंट है, यूजर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि प्रोग्राम में ये वाली चीज होनी चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन, वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज इन बेसिक इज आल्सो अ प्रोसीजर, इसको इनको हम प्रोसीजर भी कहते हैं। अब इनकी जो फर्दर टाइप है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की कोई टाइप नहीं है, इसको बस क्रिएट करने का मेथड है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो आपके पास बिल्टिन फंक्शन है, बिल्टिन फंक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रिंग फंक्शन और एक है मेमोरी फंक्शन, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फंक्शन और उसकी टाइप्स, टाइप कौन सी है, बिल्टिन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्टिन फंक्शन क्या है, जो डेवलपर ने आपकी आसानी के लिए पहले से ही लैंग्वेज के अंदर राइट करनी है, और आपको जस्ट उसका नेम राइट करना पड़ता है और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, इससे आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाती है, वेरी फास्ट और क्विकली वो परफॉर्म होगी। बिल्टिन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन भी ये है यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, काम दोनों का सेम है, लेकिन वो जो ज्यादा यूज में है उसने ऑलरेडी उसको एज ए पार्ट अवेलेबल करवा दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यूजर डिफाइंड फंक्शन भी जब प्रोग्रामर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई चीज वहां पे राइट करता है तो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन।